हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं टेक के पॉइंट। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे व्हाट्सएप स्टेटस, वो भी बिना एप्लीकेशन के, आप किसी का भी कॉपी कर सकते हैं। यानी कि आप किसी का भी व्हाट्सएप देख रहे हैं, अगर आप वो अपने व्हाट्सएप पर लगाना चाहते हैं तो आप उससे बिना मांगे आप उससे उसका व्हाट्सएप चुरा सकते हैं, यानी कि कॉपी कर सकते हैं बिना कोई एप्लीकेशन के। आपने कोई अदर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है और आप आसानी से किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस अपने फ़ोन में आसानी से कॉपी कर सकते हैं। फिर आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे व्हाट्सएप पर। ये सब आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। जो जो मैं आपको स्टेप बताऊँ वो आपने फॉलो करने पड़ेंगे और आप आसानी से किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस कॉपी कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, घंटी के ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर दें, जिससे किसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सिंपली आपने अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपने स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी स्टेटस हैं वो यहाँ पर आना शो हो जाएंगे। अगर आपको जो जिसका भी आपको अगर स्टेटस प्यारा लगता है तो सिंपली आपने उसका पहले स्टेटस को बाच करना है। बाच करने के बाद ही आप उसका स्टेटस कॉपी कर सकते हैं, अन्यथा आप उसका स्टेटस कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली इस बंदे का मैं स्टेटस देख लेता हूँ और ये अच्छा लग गया, और मैं एक दो लोगों के दोस्तों के देख लेता हूँ। तो मैंने दो लोगों के स्टेटस देख लिए, जो मैंने स्टेटस बाश कर लिए वो यहाँ पर उसकी एक अलग से लिस्ट बन के आ गई। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे जो स्टेटस आपको कॉपी करना है वो आप कैसे कर पाएंगे। तो सिंपली आपने यहाँ से बैक जाना है। तो सिंपली आपने अपने फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा व्हाट्सअप करके। तो सिंपली आपने अपने व्हाट्सअप पर क्लिक करना है। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन फोल्डर मिलेंगे, बैकअप, डाटाबेस और मीडिया। तो सिंपली आपने मीडिया पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारे फोल्डर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर नहीं दिखा होगा जो कि स्टेटस वीडियो का, जो कि आपके व्हाट्सएप के स्टेटस वहाँ पर सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप नहीं देख सकते। सिंपली इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी। तो सेटिंग पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखेगा शो हिडन एंड फाइल। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से बैक जाएंगे, फिर आप यहाँ पर देखेंगे एक फोल्डर बन के आ जाएगा स्टेटस का, जो अभी नहीं आ रहा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दी। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैंने फोटो वाले स्टेटस, वीडियो वाले स्टेटस, वो यहाँ पर दोनों आ चुके हैं। अगर आप वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप वीडियो पर क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ये मैंने अभी स्टेटस वीडियो देखी थी वो यहाँ पर आने सारे शो हो गए। तो सिंपली आप इनको कैसे कॉपी कर सकते हैं वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कॉपी का ऑप्शन देगा, सिंपली आपने इस पर कॉपी कर देना। फिर आप इस वीडियो को कहीं पर भी दूसरी जगह आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर आप इस वीडियो को कहीं पर भी आसानी से, वीडियो कहीं पर भी, आप चाहे फेसबुक पर चाहे व्हाट्सएप पर, आप इसको कहीं पर भी लगाइए और आप आसानी से किसी भी बिना एप्लीकेशन की मदद से आप दूसरों के स्टेटस इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो। तो हम आपके लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।